आमतौर पर हम एनिमल्स के बिहेवियर को समझ जाते हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके बिहेवियर को समझना काफी टेढ़ी खीर होती है। यहाँ तक कि रिसर्चर्स भी इनके विचित्र व्यवहार को देखकर काफी हैरान हैं। आखिर वो कौन से जानवर हैं? चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियन। बिच्छू ना कि देखने में खतरनाक होता है बल्कि इनका एक डंक काफी घातक साबित होता है। दुनिया भर में बिच्छुओं की कुछ प्रजातियां इतनी खतरनाक होती हैं कि उनका जहर किसी को भी मौत की नींद सुला सकता है। अधिकांश बिच्छू गर्म जगह पर मिट्टी के नीचे या रेत के अंदर रहना पसंद करते हैं। दिन में ये ठंडी जगहों पर समय बिताते हैं बल्कि रात में शिकार के लिए निकल जाते हैं। सुन के हैरानी होगी कि बिच्छू अपने शरीर का मेटाबॉलिज्म इतना धीरे रखने की काबिलियत रखते हैं कि ये पूरे साल बिना खाए रह सकते हैं। अगर एक रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में बिच्छुओं की 2500 प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से 30 ऐसी होती हैं जिनके जहर से इंसानों को खतरा हो सकता है। लेकिन बिच्छू के बारे में आप एक बात सुनकर चौंक जाएंगे। दरअसल मादा बिच्छू नर बिच्छू को चुनने के लिए उसका एक टेस्ट लेती है जिसमें नर बिच्छू को डांस करना पड़ता है। डांस टेस्ट के जरिए मादा बिच्छू नर बिच्छू की ताकत का अंदाजा लगाती है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मादा बिच्छू किस तरीके से नर बिच्छू के साथ डांस करके उसकी ताकत का टेस्ट ले रही है। दोस्तों देखने में ये काफी इंटरेस्टिंग और फनी लग रहा है। रेनडियर साइक्लोन। अब बात करते हैं रेनडियर्स यानी कि बारहसिंगा की, जो अपनी जान का खतरा महसूस होने पर अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं। जब ये वीडियो देखा गया तो शोधकर्ता भी सोचने पर मजबूर हो गए। आप देख सकते हैं कि शिकारी द्वारा तीर चलाते ही सभी रेनडियर्स अलर्ट हो जाते हैं और अपनी रक्षा के लिए एक चक्रवात की तरह गोल गोल घूमने लगते हैं। दरअसल ये एक शिकारी को गुमराह करने के लिए अपनाई गई एक अलग तरीके की डिफेंस टेक्निक है। ऐसे में शिकारी द्वारा रेनडियर का शिकार करना काफी मुश्किल हो जाता है। लॉयन हैज साइजर आफ्टर चेजिंग वाइल्ड बीस्ट। दोस्तों जब शेर के इस अनोखे व्यवहार को देखा गया तो सभी इस सोच में पड़ गए कि आखिर इस शेर को हुआ क्या, ये शेर इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। ये वीडियो साउथ अफ्रीका के प्लेनसबर्ग नेशनल पार्क का है, जहां पर करीब 300 मीटर दूर तक वाइल्ड बीस्ट का पीछा करने के बाद शेर को दौरा पड़ गया। वाइल्ड बीस्ट को गुनू भी कहा जाता है, जो पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका के जीनस कोनोचेट्स में से एक एंटीलोप है। आप देख सकते हैं कि शेर जमीन पर कितनी बुरी तरीके से हिल रहा है, मानो कि उसे किसी से डर लग रहा हो। ऐसे ही स्थिति टाइगर में भी देखने को मिलती है, जहां पर दो टाइगर पहले आपस में मस्ती कर रहे थे, फिर अचानक एक टाइगर को दौरा पड़ता है और वो जमीन पर उल्टा लेट जाता है। टाइगर बुरी तरीके से कांपने लगता है। टाइगर के ऐसे बिहेव को शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। हॉक। बाज एक ऐसा शातिर पक्षी है जिनके उड़ने की रफ्तार करीबन 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, बल्कि देखने की क्षमता इंसानों से काफी ज्यादा होती है। दुनिया भर में ये पक्षी अपने अनोखे हंटिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। ये प्रजाति जमीन पर रहने वाले मैमल्स से लेकर पानी में रहने वाले जीव को अपना शिकार बनाने का दम रखती हैं। इसके अलावा बाज की एक खासियत यह भी है कि ये पक्षी न केवल जमीन बल्कि जमीन के नीचे से भी अपने शिकार को ढूंढ निकालने की काबिलियत रखता है। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि ये बाज किस तरीके से जमीन के नीचे से अपना भोजन निकाल के खा रहा है। भोजन निकालने के लिए बाज अपना पूरा मुंह जमीन में घुसा देता है, इसके बाद केवल उसके पंख ही देखने को मिलते हैं।